अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, क्योंकि अब तुम्हारी आवाज इन बंद खिड़की और दरवाजों से बाहर नहीं जा सकती। रोशी मिस्टर नाहर, आप मुझे सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ मिस्टर मल्होत्रा, मैं सुन रहा हूँ। ये मीटिंग तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, पर रूही तो मार्केट चली गई होगी। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। नाहर जी, मुझे बचाएं। कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। ये गरुजी प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं क्या करूं? अब मजा आएगा बहुत। नहार जी करती रहती हो ना, अब देखते हैं तुम्हें कौन बचाने आता है। घर की घंटियां मंदिर की नहीं है, आ रही हूँ। खोल रही हूँ, पता नहीं कब से बजाए जा रहे। आप कौन? कम्मागणी मेम साहब, कम्मागणी। अरे ये क्या कर रहे हो? कम्मागणी मेम साहब। कौन है? थारो गुलाम। अरे क्या बकवास कर रहे, भागो यहाँ से, भागो। मारी बात तो सुन लो। भागने के लिए नहीं कहना है, बल्कि घर के अंदर पधारने के लिए कहना है। ये है हमारे इस घर के नए बावर्ची। इनका नाम है पप्पू सिंह। पप्पू सिंह बावर्ची। दादी ये सब क्या है? अरे बेटा पिंकू, मैं क्या कहूँ, ये बुढ़ापे की हड्डियाँ इतना काम नहीं सह सकती। घर में बहुत काम होता और इतना काम मैं मालिश का दे नहीं सकती, वो कर नहीं पाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना घर में एक बावर्ची रख लिया जाए। ये बहुत अच्छा बावर्ची, लाजवाब खाना बनाता है। दादी पूरा दिन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं 6-7 घंटों के लिए कुछ काम का बहाना बनाकर यहाँ से निकल सकता हूँ और आपके घर आ सकता हूँ। मम्मी तो नानी के घर गई हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन दादी मुझे रात होने तक घर पर वापस आना ही होगा, वरना किसी को मुझ पे शक हो जाएगा। अरे तो दामाद जी ये प्लान भी तो काम करेगा ना, बिल्कुल करेगा, लेकिन आपको ना अपने गेटअप को बदलना होगा। ओ, मेकअप वेकअप का सामान लगाना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। आप चिंता मत कीजिए दादी, मैं नहीं भूलूंगा। ठीक है तो फिर डील डन। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंकल आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ अग्नि बेटा, वो पड़ोस के मित्तल जी है ना, उनकी तबीयत खराब थी तो उन्हें देखने जा रहा हूँ। अच्छा आप मित्तल अंकल के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन अभी तो मैंने उनको ऑटो से कहीं जाते हुए देखा था। शायद मुझे ऐसा लगा जैसे वो डॉक्टर के यहाँ ही जा रहे थे। ठीक है फिर उनसे बाद में मिलता। इंटरनेट पे तो पढ़ा था कि जो धुआं कार में भरा है अगर वो 10 मिनट के लिए रह जाए
तो इंसान की मौत हो जाती। अब तो बस गिनती के 5-6 मिनट ही बाकी हैं, उसके बाद वही का काम तमाम। बेचारा नाहत आखिरी वक्त में उससे मिल भी नहीं पाया। की बाहर मार्केट गई और अग्नि डाइनिंग एरिया में बैठकर खा रही। पता नहीं मुझे घबराहट से क्यों हो रही। शनार, आप परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है ना? हाँ हाँ मिस्टर मल्होत्रा, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ ना? एक्चुअली मिस्टर मल्होत्रा, मुझे एक जरूरी काम याद आया, क्या हम बाकी के पॉइंट्स बाद में डिस्कस कर सकते हैं? ओके, दैट्स फाइन, थैंक यू सो मच। इतनी घबराहट क्यों हो रही है, बेचैनी क्यों हो रही है? अरे ठीक तो है ना? मैं बाहर घूमकर आ जाता हूँ। ये नाहर तो बाहर की ओर जा रहा है, मुझे उसको रोकना होगा। अब लेकिन कैसे? अब कुछ भी करके रोकना होगा। अभी तो 4 मिनट बाकी है, पर नहीं होगा। अब नाहर, नाहर कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ। नाहर तुम नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि बाहर मधुमक्खी के छत्ते हटाने के लिए कुछ लोग आए हैं और उन्होंने बोला है कि खिड़की दरवाजा सब बंद रखना, तो नहीं जा सकते। मैंने तो किसी को आते हुए नहीं देखा। हाँ, क्योंकि तुम मीटिंग में बिजी थे ना, तो तुम कैसे देखते है? तुम्हारा ध्यान नहीं गया होगा ना नाहर। हाँ, हो सकता है। अब मैं काम करता हूँ, रोहित को कॉल कर लेता हूँ। रोही का फोन छुपा देती हूँ। नाहर जी, नाहर, कोई है? सिर्फ 5-6 घंटे के लिए रहेगा, 5-6 घंटे में सारा काम करके चला जाएगा। दादी, कैसे कार्टून को रख लिया है आपने? कम से कम कोई अच्छा इंसान ही ले आते। अरे बेटा, ये बहुत ही फर्स्ट क्लास बावर्ची है, इतना बढ़िया खाना बनाता है कि मैं क्या बताऊं। और तेरी हर एक फेवरेट चीज बनानी आती है इसको, है ना? हाँ बीबी जी, मेरा मतलब बीबी जी, बीबी जी। ए, कोई बीवी भी नहीं हुई तुम्हारी, ठीक है? वही तो है आप। बीबी जी, मेरा मतलब बीबी जी है ना, मेम साहब, बीबी जी। क्या बकवास कर रहे हैं? अरे बेटा, ये लोग मेम साहब को बीबी जी ही बोलते हैं। अरे बेटा, बीबी जी मतलब मेम साहब, मैडम जी। हाँ दादी, तो इसे बता दे कि मुझे बीवी ना बुलाए, मेम साहब ठीक है? ठीक है, मेम साहब बोलो। मारे अट्ठे तो बीबी जी बोले, मैं तो वही बोलूंगा, बीबी जी। ये तो मैं देख लूंगी। दादी, इसको ऐसी जबान चलानी आती है या कुछ काम वाम करना भी आता है? अरे मारे को कम मत समझो बीबी जी, मने तो 56 भोग बनानो आवे है। अच्छा, अपनी जबान से या फिर अपने हाथों से? तुम तारीफ कितने काबिल हो, ये तुम नहीं हम सब डिसाइड करेंगे। एक मिनट रुको। हाँ पूनम, ये बात भी सही है, हम किसी को भी इस तरह से काम पे नहीं रख सकते ना, हमें पता तो होना चाहिए कि इसे कुछ आता भी है नहीं। तो काम देख लीजिए, काम नहीं होगा मेरे, मैं थक जाती हूँ अब। ये लो, पनीर मंचूरियन, गट्टे की सब्जी, दाल बाटी चूरमा और नूडल्स। जाओ और ये बना के लाओ, फिर हम सोचेंगे। रोहित तो फोन ही नहीं उठा रही है, मैं काम करता हूँ, ड्राइवर को कॉल करता हूँ। क्या हुआ?
कहाँ रहता है तुम्हारा? तू ही नहीं, अग्नि। ओ सॉरी। अग्नि क्या हुआ? दादी अच्छा हुआ आप आ गई। देखिए ना अग्नि को चोट लगी है, आप मलम लगा के थोड़ा पट्टी कर दीजिए, मैं एक बार रूही को फोन कर लेता हूँ। नहा वो तो मार्केट गई है ना। फिर भी मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ। बैठो मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।